हेलो एवरीवन। सो गाइस, हम लोग जो क्लास बचा है हम लोग का, उसे कंटिन्यू करते हैं और इसमें देखते हैं कि आगे हम लोग को क्या डिस्कस करना है। तो गाइस देखो, सम एटॉमिक टर्म्स है। ओके, सो सम एटॉमिक जो एटॉमिक टर्म्स है, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं कि एटॉमिक नंबर क्या होता है एंड मास नंबर क्या होता है। ओके गाइस, सो देखो, पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर गाइस सबको आई थिंक ये पता है कि जो मास नंबर है वो क्या है। ओके, सबको पता है ना कि नहीं पता है? देखो, सबसे पहले तो सिंबल्स की बात कर लूँ, तो जो एक किसी भी पर्टिकुलर एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स का, करते हैं। ओके, तो जो एक्स होता है गाइस, वो एक्चुअल में क्या है, किसी भी एटम का सिंबल होता है, हमको पता है। जैसे कार्बन है तो बार बार कार्बन तो नहीं लिख सकते, तो कार्बन को रिप्रेजेंट कर देते हैं सी से। ओके, तो ऊपर जो लिखा होता है यहाँ पे जो लिखा हुआ है, ठीक है, डेट इज ए, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर। क्या बोलते हैं गाइस? मास नंबर, ठीक है, मास नंबर। और जो यहाँ नीचे रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर, ठीक है, जल्दी बन नहीं रहा, आप समझो इसको क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर। और जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है गाइस, एटॉमिक नंबर ये जनरली क्या करता है, एटॉमिक नंबर ये इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग जेड से, याद रखें। तो जेड से हम लोग एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, और ए से मास नंबर को, और एक्स से सिंबल्स को। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट इज़ अ एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ओके गाइस, सो सबसे पहले तो सोचो भाई, आप लोग सोचो, लाइव तो है नहीं जो पूछूँ मैं आपसे। सो व्हाट इज़ अ एटॉमिक नंबर, ठीक है, एटॉमिक नंबर बताओ भाई, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या है सर, एटॉमिक नंबर क्या है भाई बताओ। तो एटॉमिक नंबर जब भी होगा गाइस, नाइन्थ से मैं आपको जनरली आयंस नहीं पढ़ा रहा था, तो आपको शॉर्ट बता दिया था, बट अब जो हम लोग आयंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप डायरेक्ट शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन याद रखो, नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ किसका भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और या फिर क्या हो सकता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इक्वल टू इन द न्यूट्रल एटम्स। ओके, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम, याद रखना न्यूट्रल एटम, ठीक है, न्यूट्रल एटम, यहाँ पे एटम लिखो। सो मतलब ये हुआ कि जो आपका एटॉमिक नंबर होता है ना गाइस, एटॉमिक नंबर वो क्या है, आपका एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन किसमें, एक न्यूट्रल एटम पे, मतलब एक न्यूट्रल एटम जब क्या हो जाए, जीरो हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबर्स को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। ओके, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, जैसे प्रोटॉन जो है वो प्लस में है, इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस में है, तो जो न्यूट्रॉन है वो क्या है, जब जीरो होगा तभी ये क्या कहलाएगा, आपका एटॉमिक नंबर, आप इन दोनों को काउंट कर सकते हो। ओके, तो जीरो, ये जो न्यूट्रॉन जीरो होता है न्यूक्लियस में, इसका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एटम में जो न्यूट्रल चार्ज होना बहुत इंपॉर्टेंट है एटॉमिक नंबर के डिसीजन के लिए। ओके गाइस, रीज़न इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझो, जैसे देखो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, अब सपोज करो अगर ऑक्सीजन की काउंट करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन में बोलता हूँ तुम लोगों को, तो ऑक्सीजन में क्या होता है भाई, ऑक्सीजन में इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8 होता है। मतलब इसके अंदर का, इसके अंदर ये हो सकता है कि जो बेसिकली ऑक्सीजन का जो प्रोटॉन की नंबर है वो 8 है, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर अगर हम लोग लेंगे तो भी क्या है, 8 है, और न्यूट्रॉन्स को बोलेंगे तो न्यूट्रॉन्स क्या हो गया, 0 हो गया भाई, 8 है, कट जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, मतलब उसका एटॉमिक नंबर क्या है, उसके न्यूट्रल एटम पे 8 है। ओके, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स। अब मैं यहीं पे बात करूं कि अगर आप मेरे को बताओ कि 2- ऑक्सीजन 2-, अब इसका एटॉमिक नंबर क्या, आप लोग बेसिकली यही बोलोगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, नहीं, आप बोलोगे यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखो एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड और इलेक्ट्रॉन इन आ क्या, इन ए न्यूट्रल एटम्स, मतलब न्यूट्रल एटम्स होने पर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है
उनमें से कोई एक होता है, ठीक है। या अब देखो ऐसे कंडीशन पे क्या है, ऐसे कंडीशन में एटम कभी न्यूट्रल नहीं होता। तो आप क्या बोलेंगे, देखो ऑक्सीजन का मतलब क्या है भाई, ऑक्सीजन का मतलब है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखना ये जो ओ है इसका मतलब क्या, ऑक्सीजन है प्लस इसमें दो इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, एक्स्ट्रा हो गया है। समझ में आ रहा है, दो इलेक्ट्रॉन। टू माइनस कब लगेगा, ऑक्सीजन में माइनस कब लगता है, जब वो क्या करता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन ये ले चुका है। मतलब भाई सीधी सी बात है, प्रोटॉन जो है वो अभी भी क्या है, एट है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ये एट प्लस कितना लिया है, दो लिया है, तो कितना हो जाएगा, टेन। समझ में आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स की नंबर क्या हो गई, बढ़ गई। तो अब यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है या नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, ये डिपेंड नहीं करता। ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन जो होता है वो न्यूट्रल एटम में कितने होते हैं, वहां से लेते हैं हम लोग एटॉमिक नंबर। तो हमेशा याद रखना गाइस, एटॉमिक नंबर इज अ नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। जब एक एटम न्यूट्रल होता है तभी उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एटॉमिक नंबर के फॉर्म में लिया जा सकता है। इज दैट क्लियर? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है गाइस, ये याद रखो, ठीक है, कि जो आपका एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे डिपेंड करता है, जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन इन न्यूक्लियस एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम पे डिपेंड करते हैं। ओके, जो अभी मैं बताया। अब देखो नेक्स्ट जो है, ये जो कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है अभी, ठीक है, ओके, ये जो कॉन्सेप्ट दिख रहा है देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो ए है वो एक्चुअल में उसका क्या है, मास नंबर है, ठीक है, क्या है उसका, मास नंबर है। ये जो जेड है ये उसका क्या है, एटॉमिक नंबर है, और एक्स क्या है, एलिमेंट्स का नेम है, जनरली आप जैसे देख रहे हो। अब सेम टाइप का है ये, देखो यहाँ पे नाइट्रोजन क्या है, सिंबल है उसका, क्या है, सिंबल, मतलब नाइट्रोजन जो होगा गाइस, नाइट्रोजन जो है वो क्या है उसका, एक्स है। 14 क्या है उसका, 14 जनवरी उसका क्या होगा भाई, क्या होने वाला है, 14 जो होगा उसका बेसिकली मास नंबर है, और 7 जो है उसका इलेक्ट्रॉन नंबर है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होगा, 7 होगा इन न्यूट्रल एटम में, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये जो मास नंबर है, फिर ये मास नंबर कैसे निकालते हैं गाइस, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है ये दोनों चीज समझना। तो मास नंबर हमेशा याद रखना, नंबर ऑफ, ओके, नंबर ऑफ किसका नंबर भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ही क्या होता है गाइस, उसका मास नंबर होता है। बट एटॉमिक नंबर हमेशा याद रखना कि एक न्यूट्रल एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं। ओके, न्यूट्रल नहीं है एटम तो बिल्कुल नहीं बोलने वाले कि उसके इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन्स पे होने वाला है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है आई थिंक आपको गाइस, ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर। ओके भाई, कई बार क्या होता है, हम लोग जेड को मतलब मास नंबर को यहाँ भी लिख सकते हैं, इसको यहाँ भी लिख सकते हैं, वो अब डिपेंड करता है, लेकिन हमेशा जो मास नंबर होता है वो सुपर स्क्रिप्ट में होता है और एटॉमिक नंबर हमेशा सब स्क्रिप्ट में होता है, ये याद रखना, यानी ऊपर और नीचे रहता है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो गया शायद गाइस आप लोगों का। तो मास नंबर जो है, डेफिनेशन जो है मास नंबर का, वो भी क्लियर है। ओके, तो यहाँ पे आप मास नंबर भी लिख सकते हो, व्हाट इज द मास नंबर, मास नंबर ए इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर, जिसको हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, ठीक है, जेड, जिसको जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड द हैंस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्या होगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भाई, अगर मैं बोलता हूँ कि जो मास नंबर है वो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो फिर अगर मैं बोलूंगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, तो पी इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस, मतलब मास में अगर हम लोग प्रोटॉन्स के नंबर को क्या कर दे, सब्सट्रैक्ट कर दे, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, ये कॉन्सेप्ट याद रखना गाइस। ओके, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइस, आइसोटोप्स। सो व्हाट इज आइसोटोप, बेसिकली सबको पता है आइसोटोप्स क्या होते हैं। ओके, आइसोटोप्स में जनरली देखना, आइसोटोप जो होते हैं एटम ऑफ एन एलिमेंट विद द, भाई यहाँ पे एक चीज़ है एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर, उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, बट डिफरेंट मास नंबर। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, डिफरेंट मासेस कभी मत बोलना, क्योंकि ये बहुत गलत हो जाता है, डिफरेंट मासेस नहीं होने वाला है गाइस, डिफरेंट मास ही होने वाला है, डिफरेंट मास नंबर। ओके, डिफरेंट मास नंबर मतलब एक ऐसा एलिमेंट, ठीक है, जो सेम एटम का बना हो, जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, बट मास क्या हो, उसका मास नंबर जो हो वो क्या हो, डिफरेंट हो। जैसे इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल जो होता है वो होता है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जो होता है गाइस, हाइड्रोजन के तीन आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। ओके, तो
तो देखो प्रोटियम ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम में होता क्या है जनरली, यहाँ पे पहला जो होता है प्रोटियम, उसमें जो मास नंबर है सबका वन होता है, मास नंबर इसका भी वन है, ड्यूटेरियम का ट्रिटियम का भी मास नंबर वन है, लेकिन इसका जो मास नंबर तो सॉरी एटॉमिक नंबर इनका क्या है सेम है, ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर क्या है सेम है, बट अगर मैं उसका मास नंबर बोलूँ तो इसका मास नंबर होता है वन, इसका मास नंबर होता है टू और इसका मास नंबर होता है थ्री। ओके गाइस, तो वन टू थ्री इसके क्या हो गए मास नंबर हो गए, मतलब कि मास नंबर क्या है डिफरेंट है और एटॉमिक नंबर क्या है सेम है, लेकिन ये तीनों की तीनों एक ही एटम के क्या है एलिमेंट्स, ये क्लियर हो रहा है, सब जितने भी बने वो किसके हाइड्रोजन के ही है, मतलब सेम क्या है इनका एटॉमिक नंबर है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आई थिंक गाइस सब लोगों का। देन सेकेंड जो है वो है हम लोगों का आइसोटोप्स के बाद है आइसोटोन्स। सो व्हाट इज आइसोटोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आइसोटोन्स। ओके, आइसोटोन्स क्या है भाई, आइसोटोन्स अगर हम लोग को समझना है तो ये चीज देखो, आइसोटोन्स क्या है, एलिमेंट ऑफ एलिमेंट विच कंटेन सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन्स। ठीक है, एलिमेंट विच कंटेन सेम एलिमेंट्स ऑफ न्यूट्रॉन इज कॉल्ड आइसोटोन्स। आइसो मीन्स होता है सेम, ठीक है, टोन्स मीन्स यानी जो टोन्स के फॉर्म में हो रहा है ओन्स, वो न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस। ठीक है, ये जनरली आपके स्टेट बोर्ड में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो ये याद रखना आप लोग। ओके, सो न्यूट्रॉन जो होता है अगर उसका नंबर सेम है तो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, बेसिकली क्या बोलेंगे गाइस, हम बोलेंगे आइसोटोन्स। ओके, तो आइसोटोन्स की कंडीशन में देखो जनरली क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम्पल है यहाँ पे, देखो एग्जाम्पल क्या दिया है, ठीक है भाई, थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट जो टेबल के टाइमिंग अलग हो गया, ये स्लाइड में थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट कवर नहीं कर पाया। सिलिकॉन देखो, ठीक है, सिलिकॉन दिख रहा है, सिलिकॉन में एटॉमिक नंबर कितना है 14 और मास नंबर जो है उसका क्या है 30। ओके, एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर कितना 30। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा गाइस इसका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जब निकालोगे तो हो जाएगा 60। ओके, सेकेंड जो है वो ये है गाइस, देखो जो बेसिकली ये वाला फॉर्म जो है एटॉमिक नंबर इसका 15, ये क्या है अलग अलग आइसोटोप्स हैं ना, अलग अलग आइसोटोप्स हैं, तो हम लोग उसमें आइसोटोन्स निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो सिलिकॉन जो है उसमें जनरली 15 क्या है उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर और 32 उसका मास नंबर है और 15 क्या है उसका एटॉमिक नंबर है। तो अब जब डिवाइड करोगे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालोगे तो क्या होगा, मास नंबर माइनस प्रोटॉन का नंबर, मास नंबर वही कितना है, मास नंबर लोगे तो ये देखो मास नंबर है 32, इलेक्ट्रॉनिक नंबर है 15, डिवाइड करोगे कितना आएगा, 50-50 कितना हो गया, 15-15 हो गया, 32 बच गया, तो 15 to 16, 17 इसका 17 हो रहा है। ओके, यहाँ पे आ जाओ 31 और 16 में, इसमें क्या है मास नंबर जो है इसका देखो 31 और एटॉमिक नंबर जो है वो कितना है 16। ओके, अब देखो मास नंबर m इक्वल टू कितना आ गया अभी, m p प्लस n, यही होता है मास नंबर p प्लस n, भाई m जो है वो है m आपका 31 इक्वल टू प्रोटॉन्स की नंबर जो है वो है 16 प्लस न्यूट्रॉन निकालना है आपको, ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई 16 जो होता है 16 कितना होता है गाइस 32 होता है, बचा कितना इसमें बेसिकली अगर निकालोगे तो 15 का। ठीक है, प्रोटॉन्स की नंबर डिपेंड कर रही है, जो प्रोटॉन्स का नंबर है वो सब में लोगे ठीक है तो अलग अलग है, हॉटस्पॉट हो रहा है, एक मिनट, डिलीट ऑल डिलीट। ओके, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही समझना है कि जो न्यूट्रॉन्स का नंबर होता है, नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन्स होता है गाइस, ओके, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो होता है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 निकला, अगर यहाँ कॉल कवर करोगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना निकलेगा 16 ही निकलेगा, बिकॉज प्रोटॉन्स का नंबर कितना है आपका 16। ओके, तो ये दो तीन चीज़ें जो होती है गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। ठीक है, ये नहीं, ये एक्चुअल में रॉन्ग है, ठीक है, 32 और ये होता है 16, इसका ये होता है, आप कंफ्यूज यहीं से हो रहे हो कि ये जो होता है आपका एस, तो एस जो होता है 32 होता है, इधर से क्या होता है 16 होता है, ये थोड़ा सा सबस्क्रिप्ट फॉर्म है। तो ये दोनों सिलिकॉन और जो सल्फर होंगे यहाँ पे, ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, आइसोटोन्स होंगे, सेम होंगे गाइस। ओके ओके, देन अगर हम लोग बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, थर्ड जो पॉइंट है गाइस आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी ये भी, आइसो इलेक्ट्रॉनिक देखो
यहाँ से एक चीज़ समझना है, आईसो का मतलब मैं तुम लोग को बता चुका हूँ कि आईसो का मतलब क्या होता है, सेम, ओके। और इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब उनके इलेक्ट्रॉन्स, उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। वो इलेक्ट्रॉन्स उनके आयन भी हो सकते हैं, एटम्स के भी हो सकते हैं, और मॉलिक्यूल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट पढ़ो क्या है, आयन और एटम और मॉलिक्यूल विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। जहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स की नंबर क्या है, सेम है गाइस, वही क्या है बेसिकली आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब देखो यहाँ पे देखो एग्जांपल्स में, ठीक है, यहाँ पे आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चलो ठीक है स्लाइड का इधर उधर हो गया वो सब छोड़ो, ठीक है स्लाइड में हो जाता है ऐसा। ये जो 18 है, ठीक है 17-18, मैं इसको जनरली आपको बता रहा हूँ कि जो क्लोरीन है, ठीक है उसके पास कितना है, बेसिकली आपका 17, ठीक है क्या है 17, पोटेशियम जो है और ये क्लोरीन है। अब इसमें मैं डायरेक्टली इसको छोड़ दो आप, अगर ये अगर समझ नहीं आ रहा है तो इसको छोड़ दो, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ। हमको यहाँ पे एक नंबर ऑफ क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रॉन्स को। इलेक्ट्रॉन्स जैसे देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्लोरीन का, ठीक है क्लोरीन पोटेशियम ये सब का। अगर मैं बात करूँ कैल्शियम, कैल्शियम का, तो कैल्शियम में जनरली पता है गाइस आपको प्रोटॉन्स कितना होता है भाई, प्रोटॉन्स होता है कैल्शियम का 20, और इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है गाइस, इलेक्ट्रॉन होता है कितना, इलेक्ट्रॉन होता है 20। इज दैट क्लियर, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ क्लोरीन का, तो क्लोरीन में प्रोटॉन्स की जो नंबर होती है गाइस दैट इज 17, और इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी होती है 17। इज दैट क्लियर, ओके। पोटेशियम की बात करें भाई, पोटेशियम में भी क्या होता है, पोटेशियम में प्रोटॉन्स की जो नंबर है, पोटेशियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है जो प्रोटॉन्स होता है वो भी क्या होता है 19 होता है, और इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर है वो भी क्या होता है 19 होता है। इज दैट क्लियर, ओके। अब मैं इसमें बता रहा हूँ कि आप लोगों को आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स फाइंड आउट कैसे करना है, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो, अगर मैं कैल्शियम में 2+ चार्ज लगा देता हूँ, कैल्शियम 2+ कर देता हूँ, कितना कैल्शियम 2+, इसका मतलब क्या कि कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, एक्सेप्ट कर लिया है, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर 2+ हो जाएगी, मतलब कितना हो गया वो 22, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, कितना हो गया गाइस 22। बात समझो, ओह सॉरी एक मिनट माइनस करो, क्यों, क्योंकि जब प्लस लगा है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है वो रिमूव कर चुका है, समझ में आ रहा है बात, प्लस लगा है मतलब वो पॉजिटिव होगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन जब डोनेट करेगा तभी तो उसमें प्लस चार्ज लगेगा, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन बच गया गाइस, इसके पास इलेक्ट्रॉन बच गया 18। बात समझो कॉन्सेप्ट को, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर हो गया 18। अब यहाँ पे क्लोरीन पे बात करें, अगर मैं इसमें एक माइनस सिंबल लगा दूँ तो माइनस का मतलब है कि वो क्या किया है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट किया है, मतलब 18 में मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18, ओके। अब बात करते हैं पोटेशियम में, तो पोटेशियम में जो के है, अगर मैं उसको के प्लस कर दूँ मतलब फिर से इसमें एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन बच जाएगा 18। मतलब तीनों कंडीशन में नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होने वाला है, 18 होने वाला है गाइस, ओके। तो यही तो बोल रहा था ना कि आयन और एटम और मॉलिक्यूल विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं कि क्लोरीन माइनस, कैल्शियम 2+ और पोटेशियम प्लस, वो एक दूसरे के क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है, ओके। इज दैट क्लियर, नेक्स्ट। अब देखो गाइस एक एग्जांपल है जिसको आपको सॉल्व करना है, आपके बुक में बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो आपको सॉल्व करना है जनरली। देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ, यहाँ पे दिया है नहीं दिया, ये प्रॉब्लम होता है, स्लाइड बनाओ थोड़ा सा कट जाता है। चलो भाई यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यूरेनियम का निकालना है आपको, जिसका मास होता है, एटॉमिक नंबर होता है 92, और मास नंबर जो होता है वो होता है 238, ठीक है ये फाइंड आउट करना है आपको। तो फाइंड आउट अगर हमको ऐसे करना है कि यार क्या नहीं निकालना भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालने हैं, न्यूट्रॉन्स भी निकाल सकते हो आप, तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमको ये पता है कि जो डायरेक्टली जो मास नंबर होता है वो किससे बनता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का ये होता है, ऑप्शन में देख लेते हैं, प्रोटॉन्स का नंबर सब में क्या है भाई 92 है, बड़ा कन्फ्यूजन है, ओके। नेक्स्ट अगर काउंट करेंगे हम लोग तो नेक्स्ट जो होता है ये मास नंबर, तो मास नंबर में अगर ये हटा दें हम लोग, ठीक है, तो हम लोग को जनरली क्या मिल जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाएगा भाई। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी दोनों में क्या है, सेम है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन जीरो हो ही नहीं सकता क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का नंबर जो होता है एवरेज होता है, ओके। यहाँ पे कोई चार्जेस भी नहीं लगाए तो ये हो जाएगा कैंसिल, पहले कैंसिल ये हो गया, ये तो होगा ही नहीं,
ये हटा दो। दूसरा देखो भाई, ये तो है कि 92 इसमें इलेक्ट्रॉन्स है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ क्या फाइंड आउट करना है गाइस, न्यूट्रॉन्स का। तो सीधी सी बात है, अगर 238 में अगर मैं 92 को क्या कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, तो 238 क्यों माइनस कर रहे हैं पता है ना, बिकॉज जो बेसिकली क्या होता है, जो 92 होता है ना, तो 92 क्या है आपका, एक बेसिक क्या है, प्रोटॉन्स का नंबर है, और जो 32 है वो क्या है, मास नंबर है। मास नंबर क्या होता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 92, यहाँ से बचना चाहिए 6, लास्ट में क्या आएगा 6, ओके 92 से। अब 9 को 23 में जब आप उसमें 9 क्या करने वाले हो, माइनस करने वाले हो गाइस, तो बेसिकली अगर 6 वाला दिख रहा है तो कोई ना कोई यहाँ पे क्या आएगा, डेटा आएगा ही आएगा, आएगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 6 दो दिया है वो तो गलत ही होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमको 6 नहीं मिलने वाला है, 148 भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 6 आ जाएगा है डिजिट, और यहाँ पे कुछ x की वैल्यू और आने वाली है, मतलब जो डी ऑप्शन होगा नॉन ऑफ दिस, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके तो ये ऐसा आपको कैलकुलेशन करना आना चाहिए। ओके गाइस, आई थिंक ये आपको क्लियर है। अब जो नेक्स्ट है, जैसे कि वेवलेंथ, ये सब है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ये सब अच्छे से रीड कराऊंगा। ओके।